एवन गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बालों को स्ट्रेट कैसे करें। जैसे कि नॉर्मल हेयर है और सपोज किसी के कर्ली या फिर उससे भी कम कर्ल्स या ऐसे नेचुरल हेयर हैं और किसी को स्ट्रेट हेयर चाहिए जस्ट कहीं जाना हो तो बहुत ही इजी स्टेप है। उसके लिए चाहिए सिर्फ ये स्ट्रेटनर और एक कोम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और अगर सीरम लगा सकते हो तो वेल एंड गुड है। तो सबसे पहले मेरे पास जो स्ट्रेटनर है वो है ये रेमिंगटन का, और मैं बहुत पहले से ये यूज़ करती आ रही हूँ। तो इसके अंदर कुछ लेवल है और ये देख रहे हैं आप, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है। हमें जहाँ जितना लेवल रखना है हम इतना रख सकते हैं, जितनी हीट रखनी है हम उतना रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रखूँगी, नॉर्मली मैं 4 या 5 में रखती हूँ। तो इसे क्या होता है कि जल्दी इसे स्ट्रेट हो जाता है, जितना हीट होगा उतना जल्दी स्ट्रेट होगा। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे प्रेस करूँगी, तो इसे क्या होगा कि यहाँ पे लाइट आ जाएगी। ये देखिए, इसका मतलब ये गर्म हो रहा है, हीट होगा ये। और इसे मैं लेवल में रख दूंगी 4 में, तो बस ये 1 सेकेंड में हीट हो जाएगा और तब तक हम अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे। मेक श्योर करें कि थोड़ा भी नॉट्स ना हो स्ट्रेट करते वक्त, और अच्छे से हेयर वॉश किए हो, और हो सके तो आपके कोई भी आपके पास अगर सीरम है तो वो आप लगा लो। या तो कभी भी स्ट्रेट करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि थोड़े थोड़े बाल हमेशा लेने चाहिए। सपोज अगर मैंने इतने हेयर लिए हैं तो इतने हेयरों में ही स्ट्रेट होना चाहिए। ज़्यादा हेयर लेंगे तो वो ठीक से स्ट्रेट नहीं होंगे। तो ये स्ट्रेट हो चुका है, हीट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये कोम की हेल्प से थोड़े थोड़े बाल लेके इसको स्ट्रेट करूँगी। बिना कोम के हेल्प से भी कर सकते हैं इसे, छोटे छोटे ऐसे प्लीट्स लेनी है और ऐसे इसको स्ट्रेट करना है। और बहुत ही आराम से करना है, ज्यादा घाई में नहीं करना है। दो सेक्शन करके और छोटी छोटी प्लेट्स लेकर इसे करना। तो मैं इसी तरीके से सारे छोटे छोटे प्लेट्स लूँगी और इसे स्ट्रेट करूँगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा हीट में होना चाहिए तो आप उसे पूरा 6 या 5 में भी कर सकते हो, ज़्यादा हीट भी कर सकते हो। उसे पूरा एंड तक लेके जाना है स्ट्रेट करते वक्त। ये देखिए, बहुत ही जल्दी से स्ट्रेट हो जाता है। और ये वाला जो स्ट्रेटनर है वो भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ कुछ स्ट्रेटनर जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, बट ये वाला स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैंने यहाँ से कर लिया, तो अभी इस साइड से भी कर लूँगी। और साथ में ऐसे कोम भी करते जाना इसे, ताकि कोई भी नॉट्स न रहे। सपोज आगे छोटे जिसके भी हेयर ग्रोथ होती है, तो जो स्मॉल स्मॉल हेयर होते हैं तो उसे भी आप एकदम ऐसे नजदीक से लेकर हेयर कर सकते हैं स्ट्रेट। अब एक साथ एक ही साइड में हेयर लेकर मैं सारे अभी एक साइड में लेकर अब मैं स्ट्रेट करूंगी इसे। मैं इसकी हीट थोड़ी सी बढ़ा दूंगी। मैंने पूरा उसे 5 में कर दिया है। नॉर्मली अगर 3 या 4 में रखेंगे तो भी बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट होता है,
और अगर ज़्यादा कोई घाय में है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट कहीं बाहर जाना है, तो उसे 5 या 6 में रख के ज़्यादा हीट में रख के भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट होता है ये हेयर। तो इस तरीके से आपको आपके बाल सारे स्ट्रेट कर लेने हैं, और ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट होता है, जैसे कि हम बाहर जाके स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करते हैं वैसा ही लुक देता है ये। बस इतना है कि ये स्ट्रेटनिंग टूल्स सब जो भी हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ केयर करना पड़ता है, जैसे कि वीक में 3-4 बार ऑयलिंग करो ठीक से, और सबसे अच्छे से अच्छा सीरम यूज़ करो, जैसे कि मैंने इस सीरम यूज़ किया है इसमें, और इसकी वजह से शायद ये शाइन ज़्यादा दिख रहा है। और इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर जिसको भी देखना हो तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर इस स्ट्रेटनर की लिंक चाहिए तो मैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में से सर्च करके इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये सबसे अच्छा स्ट्रेटनर है, क्योंकि इसमें जो ये सिरामिक है, इसे जो बाल है बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट होते हैं, जितना हो सके उतना ये ब्रॉड होना चाहिए। और ये वाला स्ट्रेटनर एक्चुअली में बहुत अच्छा है, इसके मैंने रिव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पढ़े हैं। सो दैट्स इट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टिल देन, बाय।